सा इधर कर दे पीछे हल्का सा, उधर नहीं उधर उधर, हाँ बस थैंक यू, कर दूँ शुरू। हाँ जी बेटे, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट डिस्कस किया था क्या? चलिए फटाफट आगे का और आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, फिर अपन बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस करेंगे। लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, टॉपिक का नाम लिखो बेटा एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, इसमें लिखे कभी कभी मैनेजर को व्यापार द्वारा, मैनेजर को व्यापार द्वारा कमाए गए लाभ, व्यापार द्वारा कमाए गए लाभ पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, कमीशन का भुगतान किया जाता है। ऐसे कमीशन की गणना, ऐसे कमीशन की गणना निम्न दो प्रकार से की जा सकती है, निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। पहला लिखिए ऐसा कमीशन देने से पूर्व, ऐसा कमीशन देने से पूर्व लाभों पर कमीशन, ऐसा कमीशन देने से पूर्व लाभों पर कमीशन। इसमें लिखो बेटे कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ओके बेटा, दूसरा लिखो लाभों में से, लाभों में से ऐसा कमीशन घटाने के पश्चात, लाभों में से ऐसा कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन, लाभों में से ऐसा कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन, ठीक है बेटा। लिखिए कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हाँ बेटा लिख ले, बेटे लिख ले एक बार, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को लगभग एक जैसा दिख रहा होगा, फर्क इतना सा है जब पहले होंगे तो रेट अपॉन 100 करेंगे, बाद में है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे,
देखो मैनेजर का एंटाइटलमेंट होता है प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन कमाता है उसमें उसे क्या मिलता है बेटे, कमीशन। अब ये कमीशन या लाभ की गणना हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बेटे हमने सबसे पहले क्या बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से पीएनएल में क्या आया होगा बेटे, जीपी। जीपी के बाद में जो इनकम्स हमारे ट्रेडिंग में नहीं जाएंगी बेटे वो पीएनएल के सीआर में चली गई होंगी, और जो एक्सपेंसेस थे जो ट्रेडिंग में नहीं गए थे वो पीएनएल के डीआर में चले गए होंगे। मान लीजिए कमीशन देने की कोई बात नहीं हो तो क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट का टोटल जो माइनस करेंगे उससे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसे नेट प्रॉफिट का नाम देते हैं। लेकिन मान लो मुझे अभी क्या देना है, तो अभी मान लो क्रेडिट साइड का टोटल कितना था, 2 लाख, और डेबिट साइड का टोटल था 90 हज़ार। तो मेरे सामने जो प्रॉफिट निकल कर आया वो 1,10,000 कमीशन देने से पूर्व ही निकल कर आया ना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब ये कहते हैं ऐसा कमीशन घटाने से पूर्व, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा कमीशन घटाने से पूर्व का जो लाभ है वो 1,10,000 ही है। इसका मान लीजिए कितना परसेंट दे रहा है, 10%, तो गुना दर बटे 100। बेटा बताओ कमीशन की राशि 11,000 हो जाएगी क्या? तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आखिरी में बचेगा जो मालिक का होगा, 1,10,000 माइनस 11,000, क्या ये प्रॉफिट 99,000 माना जाएगा। एम आई क्लियर? लेकिन मान लो ये कहता है कि नहीं, हमें ऐसा कमीशन घटाए जाने के पश्चात पे जो प्रॉफिट होगा उसका 10% चाहिए, तो मैं कैसे ज्ञात करूं? तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि पहले तो मैंने क्रेडिट का टोटल कितना लगाया, 2 लाख, उसमें से कितना घटा दिया, 90,000। तो अभी भी मेरे सामने नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,10,000 निकल गया। अब ये बोलता है आफ्टर चार्जिंग, तो गुणा दर बटे 100 प्लस दर, तो 100 प्लस 10 किया तो 110 रुपये आ गया बेटा। तो मेरा कमीशन कितना निकल कर आया, 10,000। अब देखो प्रॉफिट कितना था बिफोर कमीशन, 1,10,000, और अपन ने कमीशन कितना दिया, तो अपने पास जो प्रॉफिट बचा नेट में वो 1 लाख हो गया ना। अब देखो मैंने बोला ऐसा कमीशन घटाने के पश्चात का 10%, तो पहले 1,10,000 का प्रॉफिट क्या था, कमीशन घटाने से पूर्व 10,000 का कमीशन घटा दिया, तो कमीशन घटाने के पश्चात कितना आ गया, जरा 1 लाख का 10% निकालिए, 10,000 ही आया कि नहीं आया। इतना से ध्यान रखें, अगर बिफोर है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तेरा जो कन्फ्यूजन था वो यही था कि सर ने यहाँ पर बिफोर लिखवाया तो यहाँ पे क्या लिखवाना चाहिए था, आफ्टर। मन में जो डाउट था क्लियर हो गया, ठीक है बेटे बात समझ में आ गई। दर अपॉन 100 तो कब आएगा, बिफोर, और आफ्टर कब आएगा, दर अपॉन 100 प्लस रेट, ये कब आएगा, आफ्टर। बेटे बात समझ में आ गई क्या? बिफोर में 100 प्लस रेट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसी 1,10 का कितना परसेंट, ये बोलते हैं नहीं इसमें मेरा कमीशन भी शामिल है और तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी शामिल है। भाई ये जो 1,10,000 है बेटा इसमें तुम्हारा क्या शामिल है, और तुम्हारा मेरा कमीशन शामिल है और तुम्हारा नेट प्रॉफिट शामिल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा कमीशन है ना वो तुम्हारे नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट के बराबर हो, यानी 1,10,000 में तुम्हारा कमीशन, मेरा कमीशन भी और नेट प्रॉफिट भी, यानी 100 रुपये का तुम्हारा क्या मान लो प्रॉफिट, तो 100 का 10% जोड़ लो कितना होगा, 10 रुपये। तो 1,10,000 जो है वो 100 तुम्हारे नेट प्रॉफिट के और 100 का 10% मेरे कमीशन के, यानी 1,10,000 कुल मिलाकर कितने रुपए के बराबर है, 110। इसको अगर किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 10 से तो क्या निकल जाएगा, कमीशन, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 100 से तो क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गई बेटा? और अपन लोगों को इतने ज़्यादा माथा मच्छी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपने को याद रखना है कि बिफोर है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बेटा बोलो बात याद रहेगी आप लोगों को, पक्का ध्यान रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने कुल मिलाकर कितने एडजस्टमेंट लिख लिए हैं कॉपी में, 9 हो गए बेटा, 8 हो गए। देखो सूची में जाओ, कल मैंने आपको सूची लिखवाई हुई थी लास्ट में, कितने सूची में है, 9 पॉइंट है क्या, 8 तो अपन ने स्पेसिफिकली डिस्कस कर लिए। नवा देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर। बेटा ये अदर वो है जो अलग अलग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते जाएंगे, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आएंगे वो प्रश्न के दौरान सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे फटाफट ये बताओ, आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लास में करवा दिया था, सेकेंड वैसा का वैसा था बेटा, थर्ड आपको होमवर्क में दिया था, फोर्थ मैंने क्लास में करवा दिया था। अब आप जरा फिफ्थ नंबर इलस्ट्रेशन को देखिए, बुक लाए हो ना बेटे, नहीं लाए कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देख लो।
इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क में दिया था क्या मैंने? नोट करो, होमवर्क नोट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। जो भी होमवर्क दूंगा बेटे आपसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो नहीं होगा वो होमवर्क में नहीं दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 नोट कर लें, पढ़ो देखें क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचू ऑन 31st December 2020। बेटा क्या गिवन है देखो ना, ट्रायल बैलेंस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री या अंदर गिवन है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा आगे चलिए बेटे, और आपको क्या बोलता है, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। बेटे क्लोजिंग एंट्री मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हो उसकी एंट्री बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे कि नहीं होंगे। और जो ट्रेडिंग के सीआर में लिखते हो, जैसे मान लो सेल्स लिखते हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, है ना एकदम इजी। जो पी एंड एल के डीआर में लिखते हो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, ये देखो, टू डिस्काउंट अलाउड, टू सैलरी, टू सन्ड्री ऑफिस। और जो क्रेडिट में लिखते हो तो इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल लिखते हो, देखो डिस्काउंट रिसीव टू पी एंड एल। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, पी एंड एल में, पी एंड एल का रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर करते हो, कैपिटल में। कर सकते हो बेटा, हालांकि एग्जाम में अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें क्लोजिंग एंट्री बनाई है। क्लोजिंग एंट्री कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लोजिंग एंट्री तो खाली ट्रेडिंग में जिन अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है उनको क्रेडिट करना, ट्रेडिंग को डेबिट करना। समझ में आ रही है मेरी बात? और जिन आइटम्स को अपन ट्रेडिंग और पी एंड एल के सी आर में डालते हैं उनकी एंट्री क्या बनेगी, जिन आइटम को सी आर में डाला वो डेबिट हो जाएंगे और पी एंड एल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और इस साधारण से सवाल से क्या तुम अपना ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बना सकते हो बेटे? कोई भी डाउट आएगा अगले दिन जब क्लास में मिलेंगे तो पूछ लेना मेरे से। समझ में आई मेरी बात? इलस्ट्रेशन, हाँ बोलो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मिस प्रिंटिंग होगी, ये मॉड्यूल ना अपडेट हो जाता है। हाँ जोड़ दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ो क्या लिखा है। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31st March 2020। अब ये ट्रायल बैलेंस गिवन है यार, पढ़ाओ ना क्या लिखा है आखिरी में। प्रिपेयर बैलेंस शीट, होमवर्क में देने लायक प्रश्न है कि नहीं? कर सकते हो ना आप लोग? ठीक है बेटा, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम मिलकर क्लास में करेंगे, वो मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख के बताइएगा, बताओ ये 8 इलस्ट्रेशन। बैलेंस शीट गिवन है, फ्रॉम द गिवन अबव बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग का मतलब असेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। असेट्स माइनस लायबिलिटी का टोटल क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है बेटे? अच्छा अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, खाली मुझे आंसर देना। ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये असेट्स होती है ना बेटे, असेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। महिंद्रा एंड सन्स जो है ये हमारी लायबिलिटी है बेटा, इनको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा। देखो इधर देखते जाओ, आपको बैलेंस शीट में जो असेट दिख रही है वो क्या नीचे डेबिट होती दिख रही है? एंट्री बोलो बैलेंस शीट को देख के, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट। देखो ये नीचे नीचे डेबिट आ गए कि नहीं आ गए। टू लायबिलिटीज क्या होती हैं, टू महिंद्रा एंड सन्स, नीचे देखो 5-7 आ रहा है क्या, और फिर क्या आ गया, टू कैपिटल। सवाल खत्म। और होमवर्क वही दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो होमवर्क में नहीं दिया जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में कराऊंगा, प्रैक्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, सेकंड में कराऊंगा, थर्ड में आपको होमवर्क में दूंगा, फोर्थ में कराऊंगा, फिफ्थ में कराऊंगा। बात समझ में आ गई बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद में आइए 9। पढ़ो यार पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो, क्या गिवन है ये, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस गिवन है, तलपट के बाहर आपको नीचे सूचना ही गिवन है बेटे। लास्ट में देखो, एकदम लास्ट में देखो, एकदम लास्ट में क्लोजिंग इवेंट तलपट के बाहर है, ट्रेडिंग के सीआर में आएगा और चिट्ठे में भी आएगा ना बेटा। रिक्वायरमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मैं कराऊं, तुम कर लोगे ना? नहीं तुम बोलते कि आप करो तो भी नहीं कराता मैं।
क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि नहीं? हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ। अच्छा ऐसा नहीं, घबराना नहीं, कल ही करने हैं ये प्रश्न आपको करने। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना आप लोग, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। लास्ट में क्या लिखा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। यार क्या ही बोलूँ मैं तुमसे, कर लोगे ना? ये कौन सा इलस्ट्रेशन था? 11वां देखो बेटे। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल, अ मर्चेंट। पोपटलाल व्यापारी है भाई, ऐसे नहीं, पोपटलाल नहीं, व्यापारी है। ऑन 31 मार्च 2020, फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट वगैरह गिवन है। लास्ट में वही ओपनिंग एंट्री, जिन एसेट्स को आपने क्या किया था? डेबिट। एसेट्स थी वो डेबिट हो जाएंगी और जो लाइबिलिटीज थी वो क्या हो जाएंगे? बैलेंसिंग फिगर वही कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? यार तुम करो, नहीं है कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ लेना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में कराऊंगा बेटे, और ये जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इसके अंदर वो मैं कराऊंगा। ये देखो, ये प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन देखो, गांगुली दिख रहा है आपको? गांगुली, ये एक बड़ा सारा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा क्लास में। हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तीसरा आप होमवर्क में करेंगे। अच्छा तीसरा होमवर्क में क्यों करेंगे? फिर देखो क्या बनाने को बोला है, ट्रेडिंग और पी एंड एल। यार आपको ट्रायल बैलेंस में असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम गिवन है और इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, कर सकते हो। लेकिन चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न मैं कराऊंगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले करेंगे 7th इलस्ट्रेशन। बेटा 7th इलस्ट्रेशन ऐसा है, वो भी आप कर तो सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है, एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है। करें शुरू? पढ़ो पहले। ये देखो, ये आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। और आप जो भी प्रश्न मेरे साथ कर रहे हैं वो इसके स्क्रीन की तरफ देखते हुए करना। हो सकता है मॉड्यूल में थोड़ा चेंज, न्यू अपडेशन में चेंज हो गया होगा, आपकी किताब में थोड़ा चेंज हो सकता है, इसलिए आप सारा किस पे ध्यान देंगे बेटे? स्क्रीन पे। शुरू करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन April 1, 2019 वॉज एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2019 को चिट्ठा गिवन है बेटे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक और इन्वेंट्री। ट्रेड पेएबल्स हैं, एक्सपेंसेस पेएबल हैं और कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग 2019 एंड 20, यानी करंट ईयर 2019-20 की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है बताना। अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹18,30,000, दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा चुका है, कितने रुपए का? 18,30,000। आफ्टर अलाउिंग बोल रहा है, मतलब इन समय समायोजनों को करने के बाद। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है किराए पे दी गई संपत्ति से, कितने रुपए का किराया मिला था, जो इस 18,30,000 के प्रॉफिट में शामिल किया जा चुका है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, ऑन फर्नीचर एंड पिक्चर्स 5%, ये चार्ज किया जा चुका है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, याद रखें कितना परसेंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2020 बनाया जा चुका है। मतलब इनको 18,30,000 में वापस से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट वाइल प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना, टू प्रोवाइड फॉर, पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग रुपीज कितना बेटे, मतलब 1,80,000 रुपए का जो बकाया व्यय था बेटा, उसका समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई। प्रीपेड इंश्योरेंस का टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए के प्रीपेड इंश्योरेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया। बेटे दिमाग लगाओ, बकाया खर्चे को बुक्स में नहीं लाएंगे तो हमारा खर्चा जो बुक्स में आना चाहिए था वो नहीं आया होगा, यानी 18,30,000 का प्रॉफिट पहले तो हमें 1,80,000 से घटाना पड़ेगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी खर्च राशि को अपन ने कम नहीं किया, यानी हमारा प्रॉफिट कम था, उसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हिज करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन सी डेट को बेटे, 31 मार्च 2020, और जबकि अपने को बैलेंस शीट कब की गिवन है, 1 अप्रैल 2019। यानी एक तो बैलेंस शीट गिवन है ओपनिंग, और अपने को क्या गिवन है, क्लोजिंग असेट्स का वैल्यू गिवन है।
तो जिनका वैल्यू गिवन है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और जिनका वैल्यू गिवन नहीं है उसको अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री कितने की है? 14,50,000। ट्रेड रिसीवेबल है बेटा 20 लाख। कैश एट बैंक दिया है 10,35, और ट्रेड पेबल का वैल्यू है 11,40,000। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू ₹6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक मतलब घर के काम के लिए, ड्रॉन आहरण हो गया बेटा। क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड है ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। अरे मैं बना तो लूंगा बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले जो मेरा प्रॉफिट मुझे गलत दिया हुआ है, क्या मुझे उसे ठीक करना होगा बेटा? बात समझ में आई? लिखो मेरे साथ फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या आपने को इस प्रश्न में ऑलरेडी 18,30,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ दिया हुआ है? लेकिन वो प्रॉफिट क्या है बेटे? गलत। लिखो रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा रिवाइज क्यों बोला मैंने? दोबारा इसको बनाना पड़ेगा अपने को, चेंज कर दिया अपन ने। अच्छा, दो ही आइटम है खाली, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। रिवाइज्ड पी एंड एल अकाउंट। नाउ बाय नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट पहले से गणना की हुई 18,30,000 की राशि को दिखा रहा था? बच्चा लोग, मैंने आपको अदत व्यय की एडजस्टमेंट एंट्री लिखवा रखी है, देखो कॉपी में। अरे अरे अरे, अदत व्यय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखवाया ना बेटा। जैसे ही अपन एक्सपेंस को और डेबिट करेंगे, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे 18,30,000 के प्रॉफिट को 1,80,000 से बढ़ाना है या घटाना है? प्रॉफिट पहले से क्या है? क्रेडिट। मुझे घटाना है, क्या करूं? समझ में आई मेरी बात? डेबिट में लिखो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए का निकल कर आया? 1,80,000। अच्छा आप मुझे ये बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री लिखवाई थी आपको मैंने, एंट्री बताओ। प्रीपेड एक्स, आप बोल रहे हो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस की राशि कम हो रही है बेटा। एक्सपेंस की राशि कम होने से वो प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? जो पहले से क्रेडिट है उसे बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दिया जाए। लिख दो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने रुपए का? 20,000। तो 18,30,000 में 20,000 तो बढ़ा, तो हो गया 18,50,000। यह आया टू रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट 16,70,000। क्या आप सभी को समझ में आ गया बेटा? ये बिना खाता बनाए भी हम लोग ऐसा स्टेटमेंट बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे। आ गई बेटे बात समझ? 18,50,000 टोटल हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या बनानी थी बेटे? बैलेंस शीट। लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। नाउ सबसे पहले जिन असेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है उनकी तो वैल्यू करनी पड़ेगी, और जिनकी गिवन है उसको एज इट इज लिख लेंगे अपन लोग। पुरानी बैलेंस शीट देखो बेटा, क्या पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहली असेट आपको प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है? जवाब दीजिएगा, कौन सी डेट को दिख रही है? और हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे? लिखो
प्लांट एंड मशीनरी पहले से 30 लाख रुपए की गिवन है ना। प्रश्न में देखो ये कह रहा था कि 18,30,000 का प्रॉफिट हमने, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% और फर्नीचर पे 5% लगाने के बाद कैलकुलेट किया है। तो बेटा 30 लाख का 10% का डेप्रिशिएशन क्या 3 लाख रुपए पहले से लग चुका है क्या? तो यानी कि अब साल के अंत में चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति का मूल्य क्या 27 लाख माना जाए बेटा। वेरी गुड। दूसरी एसेट कौन सी थी देखिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। हाँ बोलिए बेटे, आप समझे नहीं। 30 लाख रुपए अप्रैल का वैल्यू गिवन है, हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो घटाने के बाद संपत्ति का मूल्य कितना बचेगा? मैंने अभी आप शायद आप देखे नहीं है, उस समय शायद आपका ध्यान कहीं और था। April 1, 2019 गिवन है बेटा, और मेरे को बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनानी है आप बताइए बेटे, घटाऊं कि नहीं घटाऊं? घटाऊं ना, अरे बहुत अच्छी बात। चले फर्नीचर एंड फिक्चर कितना रुपीज, 3 लाख। ये कब थी? 1 अप्रैल 2019। और इसने क्या बोला था कि 5% क्या लेस करें इसमें से, डेप्रिशिएशन। कितना आ गया, 2,85,000। एम आई क्लियर बेटा? अच्छा आगे फर्नीचर फिक्चर के बाद में कौन सी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल। क्या अपने को प्रश्न में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस पहले से गिवन है क्या? देखो ये रहा, ये रहा कहाँ, ये रहा देखो 20 लाख रुपए बोल रहा है 31 मार्च 2020 को। भाई 1 अप्रैल 2019 को कितना था, 14 लाख। लेकिन इस साल में कुछ डेटर्स को अपन ने माल और बेचा होगा, उनसे पैसा ले लिया होगा, कोई बैड डेट्स वगैरह हो गई होगी, तो घटते बढ़ते कितने रुपए की वैल्यू पहुंच गई, 20 लाख। क्या ये डेटर्स का वैल्यू 20 लाख रुपए ऐसा है जिनसे हमें पैसा अगले साल में रिकवर होगा? भाई बैलेंस शीट में 31 मार्च को आ रहा है, तो अगले साल में तो पैसे की रिकवरी होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भविष्य में जो पैसा डूब जाएगा उसकी वर्तमान में ही व्यवस्था करने के लिए बनाया जाता है, लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितने परसेंट से बनाया जा चुका होगा, 5%। सी पॉइंट देखिए, 5% ना बेटा। एक सवाल पूछ लूं क्या आप लोगों से, मैं बिना सोचे समझे जवाब मत दीजिएगा। सर आपने 5% 20 लाख का ही क्यों बनाया, 14 लाख का भी तो बना सकते थे। डाउटफुल डेट्स वर्तमान में जो बैड डेट्स हो गए उसके लिए बनता है या जो भविष्य में होंगे उसके लिए बनता है? बात समझ में आ गई। ये डेटर्स 20 लाख कौन से हैं, जिनसे पैसा भविष्य में मिलेगा, तो डाउटफुल भी भविष्य में ही होंगे कि नहीं होंगे। वेरी गुड आंसर। ये बेटा टॉपिक इसलिए डिस्कस किया, अभी तरोताजा हम लोग बैठे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, एग्जाम में समय थोड़ा वैसे ही भारी होता है बेटे, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि डेटर्स पे प्रोविजन कभी ओपनिंग पे नहीं बनता है, किसमें बनता है, क्लोजिंग। क्योंकि प्रोविजन भविष्य में होने वाले बैड डेट्स की बात करते हैं, तो भविष्य में जो पैसा मिलेगा उन्हीं डेटर्स की बात होगी ना बेटा। चलो डेटर्स के बाद में अगली कौन सी एसेट गिवन है, कैश एंड बैंक। क्या आपने को कैश एंड बैंक का वैल्यू पहले से गिवन है, देखो 10,35,000। हाँ तो बेटा बैलेंस गिवन है ना 31 मार्च 2020 को, बैलेंस गिवन है भाई। आगे इन्वेंट्री कितनी है, और ये बेटा 1,30,00,000 नहीं है, 13 लाख थी। लेकिन क्या आपने को प्रश्न में इन्वेंट्री भी पहले से 14,50,000 गिवन है? बेटे ये बैलेंस शीट तो अपन ने कौन सी एसेट्स को लिख लिया जो पुरानी बैलेंस शीट में गिवन थी। साल के एंड में अपने को पता चला कि अपने प्रीपेड एक्सपेंस भी हुए थे क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस संपत्ति होती है व्यापार की, लिख लो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपए, 20,000। एम आई क्लियर बेटे? आगे
ये तो हो गई अपनी असेट्स की बात, अब किधर चलें? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या लिखा है? ट्रेड पेएबल। लेकिन क्या ट्रेड पेएबल की वैल्यू भी हमें क्लोजिंग बैलेंस 11,40,000 दिया है बेटा, 11,40,000। ट्रेड पेएबल मतलब लेनदार। फिर ट्रेड पेएबल के बाद में क्या गिवन? देखो एक्सपेंसेस पेएबल। बेटे कौन सी डेट के गिवन है? 1 अप्रैल 2019। लेकिन अपने को तो अभी भी पता चल गया ना कि चालू वर्ष के ट्रेड पेएबल कितने, एक्सपेंसेस कितने हैं? खाली 1,80,000। भाई पिछले साल के बकाया 1,50 का भुगतान अपन ने कब किया होगा? इस साल। तो जिन खर्चों का बकाया का भुगतान करंट ईयर में कर चुके, क्या वो आपकी लायबिलिटी होगी क्या? लेकिन जो करंट ईयर के खर्चे थे जिनका भुगतान अभी तक अपन ने नहीं किया, वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लो ये मेरा कर्मचारी है बेटे, मैंने इसे पिछले साल में 10,000 रुपये का भुगतान नहीं दिया था, तो बताइए उस 10,000 का भुगतान मैंने चालू वर्ष में दे दिया होगा? बात समझ में आ गई? तो उसकी तो लायबिलिटी खत्म हो गई। अगर मैंने इस साल में भी कोई सैलरी बकाया छोड़ दी, तो वो मेरी इस साल की लायबिलिटी में आ जाएगी ना बेटा? बात समझ में आ गई? तो पिछले साल का जो ट्रेड एक्सपेंस, वो जो एक्सपेंसेस पेबल था, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका भुगतान हम चालू वर्ष में कर चुके होंगे। एम आई राइट? जिसका भुगतान करंट ईयर में नहीं किया, वो कितने रुपए के हैं? 1,80,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000। आ गई बात समझ? हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट में अब दूसरी आइटम कौन सा है बेटा? कैपिटल। लिखो कैपिटल। कैपिटल अपने को पहले से कितने की गिवन है? 50,00,000। सबसे पहले तो अपन इसमें ऐड क्या कर लें बेटा? गलत प्रॉफिट या सही प्रॉफिट? क्या सही प्रॉफिट हमने? हाँ, 16,70,000 आया बेटा। ये हो गया 66,70,000। एम आई क्लियर? और चूंकि इसमें इस साल इसने क्या कर चुका है, वो ड्राइंग, ड्राइंग कितने की कर चुका है? 6,00,000। ये देखो ड्राइंग कितने की कर चुका है बेटे? 6,00,000। तो बताइए हमारा प्रॉफिट है, सॉरी 60,70,000। ऑल क्लियर बेटा? नाउ टोटल ऑफ लाइबिलिटी बताइए, फिर से बोलना बेटे, लाइबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल लगाओ। 96,00,000। तिहत्तर 90 असेट्स का और लाइबिलिटी का 73,90 और लाइबिलिटी का। अरे तो फिर 76 क्यों बता रहे हो? दोनों का 73,90 आएगा ना? कोई बात नहीं बेटे, मैंने सुन लिया होगा, कोई खास बात नहीं है। 73,90,000 दोनों पक्ष का टोटल आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को 2 मिनट लगेंगे, फटाफट हम लोग मिलकर रिवाइज कर लेते हैं। क्या इस प्रश्न में पहले से प्रॉफिट जो था वो अपने को 18,30,000 गिवन था बेटा? लेकिन ये पता चला कि इसमें से कुछ समायोजन तो अपन ने कर लिए और कुछ को अपन लोग लिखना भूल गए। जवाब देना बेटे, अगर मैं प्रीपेड इंश्योरेंस का लेखा नहीं करूंगा, यानी मैंने खर्च खाते को ज़्यादा दिखा रखा था, जैसे ही प्रीपेड की एंट्री करूंगा, एंट्री बोलिए प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? टू एक्सपेंस करते हो ना, एक्सपेंस होता है डेबिट। जैसे ही उसे आप क्रेडिट करेंगे तो तुम्हारा एक्सपेंस की राशि कम हो जाएगी, जैसे एक्सपेंस की राशि कम करोगे तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपनी कॉपी में देखो, तुमने जो रिवाइज P&L बनाया उसमें 18,30,000 में 20,000 प्लस कर दिए बेटा, प्रॉफिट हो गया 18,50,000। फिर आप आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 1,80,000 का, जिनका तुमने कोई लेखा ही नहीं किया था। तो पहले इनका लेखा करोगे बेटे? एंट्री बोलो
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे ही एक्सपेंस को डेबिट करोगे तुम्हारे टोटल खर्चों की राशि बढ़ जाएगी, बच्चा लो एक्सपेंस की राशि बढ़ जाएगी तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सॉल्यूशन में देखो, तुमने डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया हुआ है बेटा 1,80,000, तुम्हारा रिवाइज नेट प्रॉफिट कितना आया 16,70,000। एम आई क्लियर बेटा? फिर इसने बोला क्या बनाओ, बैलेंस शीट। हम बोले बैलेंस शीट तो बनी हुई है, बोले बैलेंस शीट तो बनी है लेकिन कौन सी, 1 अप्रैल 2019, अपने को तो कब पता करनी है, 31 मार्च। तो बेटा जो प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 2019 को 30 लाख की थी, क्या आपने उसे साल भर में काम में नहीं लिया था क्या, तो उस पर क्या लगा होगा, 30 लाख का 10% 3 लाख घटा होगा तो 27 लाख रह गई होगी। आपके फर्नीचर फिक्चर्स की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख, साल भर आपने काम में लिया, मूल्यह्रास लगा होगा, 3 लाख का 5% कितना हो गया, 15,000। एम आई क्लियर बेटे? फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल, प्रश्न पूछा था आपसे मैंने, ट्रेड रिसीवेबल हम चिट्ठे में क्लोजिंग बनाएंगे कि ओपनिंग वाला बताएंगे, क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च की बन रही है। प्रश्न में पहले से क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख गिवन है क्या, ये वो पैसे जिनसे पैसा अपने चालू वर्ष में तो नहीं मिला लेकिन कब मिलेगा, तो डूबते ऋण भविष्य में होगा बेटा, तो इसलिए अपन 14 लाख का नहीं बनाएंगे 5%, किसका बनाएंगे 20 लाख, 20 लाख का कितना परसेंट, 5%, 20 का 5% हुआ 1, 19 लाख रह गया बेटा। आगे अपने को कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस भले ही दिया हो नहीं दिया हो, क्लोजिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अपन 31 मार्च का बैलेंस था वो लिख लिया। इन्वेंट्री की वैल्यू भी गिवन थी, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी संपत्ति है, 20,000 रुपये संपत्ति पक्ष में आ गया बेटा। लाइबिलिटीज में आ जाओ, ट्रेड पेएबल, प्रश्न में पहले से बैलेंस दिया हुआ है ट्रेड पेएबल्स का, लिख लिया अपन ने बेटा। पहले से एक्सपेंस पेएबल भी गिवन है 1,50,000, लेकिन खुद सोचिए इस साल के प्रारंभ में जो मेरे ऊपर खर्चे बकाया थे उनका भुगतान मैं इस साल में करूंगा कि नहीं करूंगा, जैसे ही मैं इस साल के प्रारंभ में जो खर्चे बाकी थे उनका भुगतान कर दूंगा वो मेरी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी ना, तो बैलेंस शीट में कम से कम वो तो नहीं आएंगे जो पिछले साल के बाकी थे, लेकिन इस साल में कोई खर्चे मैंने किए हो जिसका भुगतान मैंने अभी तक नहीं किया वो मेरी लायबिलिटी बनेगी। तो करंट के खर्चे कितने आ गए, 1,80,000 बेटा। गलती से भी 1,50 + 1,80, 3,30,000 मत कर देना, क्योंकि पिछले साल के खर्चे का भुगतान तो अपन कर चुके होंगे ना। वेरी गुड, कैपिटल कितनी, हाँ बोल बेटा। कॉमन सेंस अपने को लगाना है कि भाई एक्सपेंसेस जो है, आपने एनपीओ पढ़ा है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद करो पिछले साल के बकाया को लेस कर देते थे, करंट ईयर को ऐड क्यों करते थे, क्योंकि उनका भुगतान तो चालू वर्ष में कर दिया गया होगा, ठीक है ना बेटा। एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, आप मेरे फॉर्म में एम्प्लॉय हो, आपको मार्च 2020 की तनख्वाह नहीं मिली मार्च 2020 में, क्या आप अप्रैल में वो तनख्वाह मुझसे लोगे कि नहीं लोगे, तो मैं मार्च 2020 को जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तब तो लायबिलिटी आएगी, लेकिन वही तनख्वाह मैं आपको कब दे चुका हूँगा, अप्रैल में, तो अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी लायबिलिटी आएगी क्या, कब आएगी, अगर मैं चालू वर्ष में कोई तनख्वाह का भुगतान आपको नहीं करूं। बात समझ में आ गई, कॉमन सेंस समझ में आ गया आप लोगों को। आगे कैपिटल पहले से कितनी है बेटे, 50 लाख, नेट प्रॉफिट अपन ने कितना ऐड कर दिया, 16,70,000, ड्राइंग अपन ने कितनी लेस कर दी, 6 लाख, क्या टोटल 73,90 आ गया बेटा, समझ, हाँ टोटल लगा कर सबका 73,90,000 आ गया। ये प्रश्न मैंने क्यों करवाया आपको, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। नाउ समय है हमारे पास 11:47 हुई है और अपने पास अभी लगभग 15 मिनट मान लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 काफ़ी बड़ा है जो मैं कल करवाऊंगा, अभी हम एक छोटा सा प्रश्न करेंगे, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप एमसीसी की किताब देख रहे हो तो प्रश्न संख्या 15, और अगर आप आईसीएम मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको एम्प्लॉयर का नाम सेन गुप्ता दिख रहा है, ये देखो ये एग्जाम में पास्ट एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया प्रश्न, कितनी बार, 2 बार। पढ़ो मेरे साथ बेटा, इस प्रश्न को मैं आपको याद करवा दूंगा, इसलिए आप एक बार में ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आपको बार बार प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड रुपीज 30,000 पर मंथ, हु वर पेड, वर मतलब भुगतान किया जाता था, कितने रुपए का, 30,000 का पर मंथ इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल तक अपन कितना भुगतान करते थे,
लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी अब चालू वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में कंपनी रेज्ड सैलरी बाय कितना परसेंट? 10%. कितना रुपीस? 33,000 पर मंथ. क्या 10% से बढ़ा दी गई बेटा? 30,000 का 10% बोले तो 3,000, तो 30 + 3 कितना हो गया? 33,000. ये हो गई चालू वर्ष की सैलरी. आगे 1 अक्टूबर 2019 यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल जाने के बाद 1 अक्टूबर 2019 को कंपनी हायर्ड, हायर मतलब उन्होंने और लोगों को जॉब पे रखा. कितने? 2 ट्रेनी रखे क्या बेटे? सैलरी कितनी देना तय करी? 21,000 पर मंथ ईच. 2 ट्रेनी 21,000 पर मंथ ईच. द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का मतलब होता है जो व्यक्ति कार्य करते हैं, आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ. मतलब जिस महीने में भी तनख्वाह का भुगतान किया जाता है उस महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है. मतलब मान लीजिए मेरे को अप्रैल में तनख्वाह मिलेगी तो कौन से अप्रैल को मिलेगी? 1 अप्रैल. मान लो मेरे को जून में मिलेगी तो कब मिलेगी? 1 जून. आगे लिखा है 1 month इन अरियर, एक महीने का हमेशा बाकी रहता है. अरियर का मतलब होता है बकाया रहना. आगे लिखा है सो दैट एम्प्लॉयज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी फॉर द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी. अभी महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई. अभी कौन चल रहा है? जुलाई. हम जुलाई महीने में जो भी काम करेंगे उसकी सैलरी हमें कब मिलेगी? अगस्त में. काश ऐसा होता बेटे. तो कब मिलेगी? अगस्त में. तो ऑब्वियस ही बात है जून महीने की सैलरी 30 जून तक बकाया थी कि नहीं थी? समझे मैं क्या बोला? अगस्त महीने की तनख्वाह कब मिलेगी? यानी 31 अगस्त तक अगस्त महीने की सैलरी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी? इसीलिए बोल रहा है कि जनवरी की सैलरी कब मिलेगी? फरवरी में. पक्का बेटे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. 3 बातें मांगी. पहला बोलो अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2020. पूरा खर्चा बताइए, ये मत बताइए कितना भुगतान किया और कितना नहीं किया. खर्चा बताओ, खर्चा कितना है. दूसरा अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 2019 एंड 20. अब ये बताओ 2019-20 में तुमने कितने रुपए का भुगतान किया. और तीसरा बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 2020. तुम्हारे को तो ये बताना है कि खर्चा बाकी है कितना 31 मार्च 2020 का. 3 बातें पूछी. पहला खर्चा बताओ, दूसरा भुगतान बताओ और तीसरा बताओ कि तुम्हारा इस साल का बाकी कितना रहा. बेटा जनवरी की सैलरी कब मिलेगी? फरवरी की. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की. मतलब इस साल के दिसंबर की तनख्वाह अगले साल मिलेगी ना. तो इस साल में महीने कितने होंगे? इस साल में महीने कितने होंगे? 12. लेकिन इस साल के 12 महीनों के भुगतान की बजाय इस साल के 11 महीने का भुगतान किया जाएगा. बट अपने को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसे इस साल के दिसंबर की सैलरी का भुगतान अगले साल के जनवरी में किया गया होगा, वैसे पिछले साल के दिसंबर की सैलरी का भुगतान इस, मतलब भुगतान तो 12 दफा ही किया गया है जिसमें 11 दफा तो चालू वर्ष का, 1 दफा पिछले साल का. बात समझ में आ गई? पक्का? करें अपन शुरू. लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, पहली रिक्वायरमेंट देखो प्रश्न में क्या बोलता है. अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस. खर्चा, चाहे भुगतान करें और चाहे ना करें, तो खर्चा जो है वो अपने को कौन से वाले वर्ष का निकालना है? 19 और 20 यानी 31 मार्च 2020. लिखो बेटे. नंबर 1, अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. यानी कि हमारा क्या ये साल
1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा बेटे। हमारे यहाँ पर दो तो क्या है बेटे, वर्कर्स, सॉरी 8 तो क्या है और दो क्या है ट्रेनी, फटाफट बताइए वर्कर कितने हैं? चालू वर्ष में उनकी तनख्वाह को 30,000 में 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया? हम चाहे भुगतान 2 महीने का करें, चाहे 6 महीने का करें, चाहे 20 महीने का करें, सैलरी का खर्चा तो चालू वर्ष का 12 महीने का ही माना जाएगा। फटाफट जोड़ो, 31 लाख 68,000, ये खर्चा जो सैलरी अकाउंट में करंट ईयर में वर्कर्स को दी गई सैलरी का खर्चा माना जाएगा। क्या हमने चालू वर्ष में 2 ट्रेनी को भी अपॉइंट किया जिनकी तनख्वाह कितने रुपए की थी? 21,000। लेकिन बेटा अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर 19 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होंगे, गुना 6 महीना, 2,52,000। अब बेटा अपन इनको पेमेंट कम करें चाहे ज़्यादा करें, खर्चा जो माना जाएगा वो इन दोनों का योग ही माना जाएगा ना। टोटल एक्सपेंस ऑफ सैलरी कौन से वर्ष का, यानी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले लाभानी खाते में खर्च की राशि 34,20,000। हाँ बेटे बात समझ में आई? देख लो दो बार आया सवाल है बेटा, तीसरी बार अगर आ गया तो आपके 10 में से 10 पूरे हैं कि नहीं? नहीं, 10 का आएगा तो पूरे होंगे, 4 का आएगा तो 4 ही मिलेंगे। नंबर 2, प्रश्न की रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 2019-20 में तुमने सैलरी कितनी भुगतान करी वो बताओ हमें। तो हम क्या बोलेंगे कि 2019-20 में 19-20 का भी भुगतान किया होगा और 18-19 के 1 महीने का भुगतान किया होगा। वेरी गुड, लिखो बेटे। अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, इतनी इंग्लिश सफिशिएंट है ना बेटा, या थोड़ी और बढ़ाऊं? मैं एक्चुअली पूछा कुछ और चाह रहा था, सफिशिएंट मतलब समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अमाउंट ऑफ सैलरी पेड इन 2019 एंड 20। बेटा हमने 2019-20 में तनख्वाह जो है वो पहले तो कौन से वाले वर्ष की चुकाई होगी? 2019 और 20 की चुकाई होगी। हाँ, 2019-20 में हमारे पास दो प्रकार के कर्मचारी थे, पहले तो थे वर्कर्स और फिर थे ट्रेनीज। ट्रेनर नहीं बेटा, ट्रेनी, ट्रेनर तो होता है जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनीज जिनको ट्रेनिंग मिलती है। कितने वर्कर? 8 वर्कर। तनख्वाह बोले तो 12 महीने करूँ या 11 महीने? क्यों? इस साल के मार्च की सैलरी का पेमेंट अगले साल मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? बताओ देखे। उनतीस लाख 4,000। दो ट्रेनी थे, तनख्वाह कितनी थी? 21,000। 6 महीने जॉब पे रखा लेकिन भुगतान तो 5 महीने का किया होगा। ओके बेटा, इसका टोटल लगाओ एक बार। कितना बेटे? 31,14,000। जो हमने सैलरी का भुगतान किया उसमें 31,14,000 चालू वर्ष की सैलरी का भुगतान किया है, लेकिन हमने इसी में अठारह उन्नीस की कौन से महीने की सैलरी, मार्च 2019 की सैलरी का भुगतान डेफिनेटली साल में किया होगा। अच्छा, मार्च 2019 में ट्रेनी थे क्या? केवल कौन थे? वर्कर्स। शाबाश, कितने वर्कर थे? 8।
तनख्वाह थी 33,000। अरे क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा आपको पता है, मेरे को लगा मेरे को बताना पड़ेगा। 8 वर्कर गुना 30,000 गुना 1 महीना 2,40,000, 31,14,000 प्लस 2,40,000 बोले तो 33,54,000 आ गया बेटा। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? टोटल सैलरी 2019-20 में चुकाई गई। हमने बोला 2019-20 की तो अपन ने कितनी पे करी? 31,14,000 और 18-19 की पे करी 2,40,000। टोटल कितना हो गया? 33,54,000। टोटल सैलरी पेड इन 2019 एंड 20। एम आई क्लियर? पक्की बात समझ आ गई? ओके बेटे। नाउ नंबर 3, अपने से आखिरी रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2020। बेटा कितने वर्कर्स हैं? चालू वर्ष की सैलरी बकाया रही होगी ना बेटा, क्योंकि पिछली बार की तो अपन ने क्या कर दी थी? तुमने क्वेश्चन पूछा था उसका रीजन मिल गया बेटा? बोले नहीं भले कि पिछले साल का भुगतान किया है कि नहीं किया, ये अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि हर साल का भुगतान अगर बाकी रहा तो उसे अगले साल भुगतान करना ही पड़ेगा। अच्छा वर्कर कितने हैं? 8। चालू वर्ष में 33,000 की 30,000, 1 महीना की 2 महीना, वर ट्रेनिंग कितने? 2। तनख्वाह कितनी? 21,000, 2 महीना की 1 महीना, वेरी गुड, 2,64,000। और ये 42,000 टोटल आउटस्टैंडिंग। तीन लाख 6,000 बेटा, ये सैलरी क्या कहलाई? बकाया सैलरी। बताओ ये प्रश्न अगर 10 मार्क्स का आए तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाए कि नहीं हो जाए? अरे मैं तो कहता हूँ 5 मार्क्स का भी आ जाए तो भी 5 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं, मेरी तो उम्मीद है कि 50 का आ जाए, है ना? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ 50 का आ जाए, बट आएगा नहीं बेटे। बस बस बेटे बस बस, अरे बस 100 का नहीं आएगा, नालायक हो ना 50 का आएगा, ज्यादा ही चढ़ गए आकाश में। 2 प्रश्न किए अपन लोग आज, समझ में आया बेटा? होमवर्क में जो मैं दिया वो घर से प्लीज ट्राई करके लाना, नहीं आएगा तो मैं कहूंगा मेरे से पूछ लीजिएगा। एक बेटा मैं दोबारा बोल दूं, जब मैं पढ़ाऊं ना तो मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, है ना? मैं जो फील करता हूँ जब आप कोई प्रश्न दोबारा पूछते हो ना, सर ये ऐसे कैसे होगा, इसका मतलब पहली बार आपका ध्यान, मानते हो आप मेरी बात? दिमाग कहीं विचरण करने गया हुआ होता है, हम होते तो यहाँ हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। अब वो कहाँ होगा वो तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ आप लोगों से, लेकिन जहाँ पर भी है प्रेजेंट रखिए, ठीक है? चलो।